प्राचीन झालरे की सफाई का अभियान रखा दरगाह कमेटी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के पीछे स्थित प्राचीन झालरे में दरगाह कमेटी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्राचीन झालरे की सफाई का अभियान रखा गया। सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय सफाई का कार्य किया गया। सभी कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं प्रदान, खास बात यह रही कि अपनी मर्जी से सफाई का काम किया। इनके इस कार्य को देखते हुए दरगाह कमेटी के नाजिम ने भी सफाई अभियान में अपना योगदान दिया। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम था? आज दिनांक 14/6/2019 को दरगाह कमेटी सोसाइटी मंच की तरफ से दरगाह शरीफ में प्राचीन झालरे की सफाई की गई। झालरे की आज ये स्थिति हुई, 10 साल पहले ये स्थिति आई थी कि आज इतनी है कि उसमें कचरा बहुत हो गया था, जिसको हमने कमेटी ने सब इकट्ठे हो गए और ये शर्मदान करने का सोचा, जो आज हमने ये शर्मदान किया। ये कमेटी किनकी ओर से बनाई गई? ये कमेटी सारे कर्मचारी है, इसमें दरगाह कमेटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंच की इसको नाम के दिया गया है, और ये हमारे सभी दरगाह के कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कितने कर्मचारियों ने अपना श्रमदान किया इसके अंदर? अपने 3 जमादार और 75 कर्मचारी और थे, इसमें नाजिम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपना श्रमदान किया। इस प्राचीन झालरे के अंदर इसके पहले पूर्व में कब सफाई हुई थी? इसकी पूर्व में 10 साल पहले नाजिम अहमद राजा थे, उस दौरान सफाई हुई थी, जिसमें करीब 5 लाख रुपए करीब खर्च हुआ था, और आज हमने हमारी तरफ से ये श्रमदान किया है। तो इसमें कुछ पैसा खर्च हो रहा है, आप अपनी तरफ से ही करना चाहते? नहीं, ये हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, इसमें कुछ पैसा नहीं है, ये हमारी तरफ से श्रमदान है। सब दरगाह कमेटी का या सदर का किसी का कुछ है? नहीं, दरगाह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। नहीं, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, नाजिम साहब भी आए थे और सदर साहब भी आए थे। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीम मोहम्मद जमादार, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर।